तो यहाँ पर कथा है वो, तो गणपति जी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है और युवराज इज मैं खुश रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे मौके नहीं मिल रहे। जो करना है तुम करो, तुम्हें अगर बीर भाई को बताना है तो बता दो। गणपति जी घर पे आए हैं हमारे शिखावत के घर पे, तो गणपति जी को हम लोग लेकर आए हैं और एक रस्म होती है जिसमें जो गणपति जी को लेकर आता है जो घर की बहू होती है वो उसके पैर धोती है। तो यहाँ पर कथा है वो, तो गणपति जी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है और युवराज इज़ यू नो वेरी हैप्पी कि भैया ऐसा है, ऐसा हो रहा है। कथा को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है कि उसको ये करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब युवराज जो है वो कथा के ऊपर हावी हो रहा है और किसी तरह बिकॉज पूरे परिवार का अपने ट्रस्ट जीत रहा है वो, और कथा की जितनी भी कोशिशें हैं उन सबको फेल करके वो अब पूरे परिवार को अपनी तरफ कर रहा है। तो बहुत ही अलग एक प्लॉट देखने को मिलेगा अब। देखिए वो तो बहुत दूर की बात है लेकिन हाँ, युवराज कथा को डेफिनेटली अब एक धमकी देंगे और एक चैलेंज करेंगे कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें अगर बीर भाई को बताना है तो बता दो, कुछ नहीं होता, युवराज है वो सब देख लेगा। कहीं ना कहीं वो डर खत्म हो गया युवराज के अंदर से। देखिए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है लेकिन मेरे को ये कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा तो आ रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं युवराज बहुत ही ऐसा बंदा है जो कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए। तो आई थिंक ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है कि कहीं से वो ट्राई करती है, यहाँ से मैं कुछ करता हूँ, तो कोई कोई चीज़ें उसकी मिसफायर हो जाती हैं, कुछ मेरी मिसफायर होती हैं। बट युवराज ने भी बहुत ही अच्छा प्लॉट खेला जहाँ पर वो खुद वो छोड़ देता है हाथ और वो गिर जाता है मटकी तोड़ते वक्त, तो पूरे परिवार की सिंपैथी उसको मिलती है और बीर भाई उसको वापस मिल जाते हैं, वही प्यार सब कुछ। तो कहीं ना कहीं युवराज अब धीरे धीरे अपना पूरा बेस बना के कथा को कहीं ना कहीं डाउन कर रहा है। Why can't कथा be happy? मैं खुश रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे मौके नहीं मिल रहे। ऑफ कोर्स गणपति जी आ रहे हैं और सारे लोग बहुत खुश हैं शेखावत फैमिली में, मेरे ससुराल में, क्योंकि युवराज फाइनली ठीक होके घर आया है। बट आई नो द ट्रूथ कि युवराज ने झूठ बोला था, वो सब नाटक था। सो आई एम जस्ट वेरी कॉन्फ्लिक्टेड कि मैं बोलूँ कैसे कबीर को कि आपके साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ तो हो ही चुका है, आपके साथ भी हो रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द टाइम और द स्पेस टू शेयर द न्यूज़। अरे बहुत खुश, मैं तो क्या ही खुशियाँ मनाऊंगी, मैं तो दुखी हूँ और मैं कॉन्फ्लिक्टेड हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ एंड माय हस्बैंड एंड एवरीबॉडी एल्स इन द फैमिली आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर टू रीजंस। एक तो गणपति जी भी आए और उनका बच्चा भी आ गया है घर पर युवराज ठीक होके, सो एवरीबॉडी इज वेरी वेरी हैप्पी एक्सेप्ट दिस वुमन राइट हियर। होप सो दैट्स द होप, एक पत्नी आई होप मना पाए, मैं मना पाऊँ और मुझे शक्ति दे भगवान कि वो इस न्यूज़ को अच्छे से ले सके, बिकॉज इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर एनीवन टू डाइजेस्ट। It's the biggest news, I think. मतलब मैं होती तो मुझे हार्ट अटैक आ गया होता। I don't know about Kabir. I hope he's better than this. I love festivals and I love this time of the year. I love Ganpati ji. I love the Navratri festival. I love everything. I love it because सारे लोग एक साथ आते हैं, बहुत involvement होता है और घर में एक अलग सी खुशी आ जाती है। तो it gives that kind of flavor to all of us. So I love it.